अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शबनम फहीम। कुकिंग विद शबनम फहीम के चैनल पे आपका वेलकम है। आज मेरे किचन में बनने जा रहे हैं मजेदार पाए, तो इसके लिए देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। पाए तो सभी को बहुत पसंद होते हैं और सर्दियों का तोहफा होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे पास दो पाए हैं जिसमें मैंने कोई बोंग नहीं लिए, सिर्फ पाए हैं, ठीक है। इसको मैं बॉईल करूंगी, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो पहले मुझे पाए बॉईल करने हैं, तो उसके लिए मुझे चाहिए ये प्याज, एक मीडियम साइज की प्याज है जिसे मैंने इस तरह काट लिया है, और ये थोड़ा सा लहसुन है, छोटा है तो इसलिए इतना लिया है मैंने, और ये अदरक है, इसको साथ में डालूंगी। ना तेज पत्ता है, कुछ गर्म मसाला है, ठीक है, ये बॉईल में पड़ेगा। और उसके बाद मुझे चाहिए ये सौंफ और धनिया, तो मैं इसको पोटली में करके डालूंगी। ये मैंने कपड़ा लिया है, ठीक है, मलमल का कपड़ा है, इसमें बांध के तब मैं इसे डालूंगी, और साथ में डालूंगी नमक। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। तो देखिए मैंने चूल्हे पे रख दिया है कुकर, इसमें डाल दूंगी ये पाए। मैंने बहुत अच्छे से धो लिए हैं, बिल्कुल बाल बाल एकदम साफ कर लिया है, कुछ भी इस पे नहीं है, और बहुत अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा, एक भी कुछ भी इस पे ना रहे, ठीक है, अच्छे से। तो ये अच्छे से वॉश पाए हैं, इसको मैं डालती हूँ कुकर में, ठीक है। और इसमें मैं डालूंगी ये मसाले, मैंने आपको दिखाए थे जो ये गर्म मसाले, तेज पत्ता, लहसुन, अदरक, प्याज, ठीक है। और उसमें डालूंगी ये पोटली, दो चम्मच सौंफ, दो चम्मच धनिया, ठीक है, मैंने बांध लिया है, इसमें डालती हूँ साथ में। और इसमें डालूंगी मैं ये भर के चम्मच नमक, अभी मैं इतने ही डालूंगी, बाद में बताऊंगी अगर पड़ा तो, ठीक है। और इसमें मैं डालती हूँ पानी, बाउल भर के मैंने इतने साइज के पानी डाल दिए हैं, ज्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि कुकर में बना रही हूँ तो पानी बाहर निकलने लगेगा, तो मैं इतने ही पानी डालूंगी, ठीक है। उसके बाद मैं इसे बंद कर देती हूँ। देखिए मैंने कुकर बंद कर दिया है, और इसे मैं पॉन्स से एक घंटा करीब इसे गलाऊंगी, जब तक ये पूरे अच्छे से न गल जाए, बिल्कुल अच्छे से गल जाना चाहिए। अगर आपके नहीं गले हैं तो आप दोबारा इसे बंद करके रख दें और अच्छे से गला लें, ठीक है। पाए जितने अच्छे गले होते हैं उतना ही अच्छा उसमें टेस्ट आता है। चलिए तो हम इसे गलाने के बाद मिलते हैं। तो देख लेते हैं इसके ग्रेवी के लिए हमें क्या क्या चाहिए इसके मसाले में डालने के लिए। तो ये मेरे पास दो चम्मच अदरक लहसुन है, एक बाउल भर के मेरे पास ये दही है, ठीक है, फुल बाउल अच्छे से भरा हुआ, दो मीडियम साइज की प्याज है जिसे मैंने पीस लिया है, और ये मेरे पास दो चम्मच मेरे पास धनिया है, आधी चम्मच मेरे पास लाल मिर्च है, और आधी चम्मच मेरे पास ये हल्दी है, ठीक है। और ये मेरे पास कुछ स्लाइस करी हुई प्याज है जिसे मैं बाजार में डालूंगी। अब इसको मिक्स कर लूंगी मैं अच्छे से, सबको मिला के मिक्स कर लीजिए, लम्स ना रहे इसमें, बिल्कुल अच्छे से कर लें आप इसे। तो देखिए उधर मेरे पाए बॉईल हो रहे हैं, और इधर मैं रख देती हूँ एक भगोना, और उसमें डाल देती हूँ ये ऑयल, ठीक है, थोड़ा ही ऑयल डालिएगा क्योंकि पाए भी बहुत ऑयली होते हैं, तो बहुत ऑयल हो जाएगा, ठीक है। इसे मैं गरम करती हूँ, और इसमें डालती हूँ दो तेज पत्ते, थोड़ी सी प्याज, देखिए प्याज ब्राउन हो गई है, तो मैं अपना मसाला डाल देती हूँ जो आपको मैंने दिखाया था। और इसे अच्छे से पका लूंगी, और इसमें हाफ टी स्पून मैं ये लाल मिर्च भी डाल देती हूँ, कश्मीरी मिर्च है ये, इसके साथ में अच्छे से पका लूंगी। मसाला खूब अच्छे से भूना जाएगा, बहुत अच्छे से, पाए बॉईल हो रहे हैं तब तक मसाला भूनता ही रहेगा, और बहुत जितना आपका मसाला अच्छा भून जाएगा उतने अच्छे आपके पाए हो जाएंगे, है ना। तो मैंने अभी इसमें नमक नहीं डाला है, पाए में डाला है मैंने नमक, मैं बाद में चेक करके इसमें तब डालूंगी। पानी डाल डाल के आप इसे भूनते रहिए, ठीक है, स्लो आग कर दीजिए, ये अपने आप भूनता रहेगा, स्लो आग कर दीजिए आप इसकी, और ये भूनता रहेगा। पानी डाल डाल के भूनिए आप इसे खूब अच्छे से। मेरा तरीका तो यही है कि जब मैं एक पाए बनाती हूँ तो एक तरफ पाए रख देती हूँ
पकने के लिए और एक तरफ मसाला रख देती हूँ बनने के लिए, तो दोनों चीजें फटाफट हो जाती हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। देखिए आधे घंटे से ये मसाला जो आग पे भुन रहा है, बस मैं इसे बीच बीच में चेक कर जाती हूँ कि ये जले ना। आप ध्यान रखिएगा ये जलना नहीं चाहिए और ये बहुत मजेदार वाला भुनना चाहिए, है ना। बस आधा घंटा हो गया पक्के में, आधा घंटा और मैं पाई गलाऊंगी, उसके बाद चेक करूंगी खोल के, ठीक है। अगर गल गए होंगे तो फिर आगे देखते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ, पाई के साथ साथ मसाला भी बनता रहा। और देखिए कितने अच्छे पाए मेरे बॉईल हो गए हैं, बिल्कुल अच्छे से मजेदार वाले। देखिए कितने अच्छे लग रहे होंगे आपको देखने में, लेकिन बहुत गर्म है, ऐसे दिखाऊं मैं आपको, बहुत गले हुए हैं, बहुत अच्छे गले हुए हैं ये पाए, बहुत मजेदार वाले। अब मैं ये इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। मैंने इसमें से गरम मसाला निकाल लिया है, उसमें गरम मसाला था वो मैंने निकाल लिया है, मोटा मोटा गरम मसाला, मोटा मोटा जो गरम मसाला था वो मैंने निकाल लिया है इसमें से। और अब मैं इसमें 2 मिनट के लिए इसे भून दूंगी मसाले में। देखिए इसमें ये जो पानी है यखनी का, पाई के साथ जो निकला है पानी, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। सारा पानी इसी में शामिल कर देंगे, सारा पानी मैंने डाल दिया है इसमें। पानी मुझे भी ये कम लग रहा है, थोड़ा पानी मैं और डालूंगी, क्योंकि हमें थोड़ा सूपी पाई पसंद करते हैं ऊपर से। तो इसमें मैं थोड़ा, ये गर्म पानी है, बॉयल पानी है, वो डाल रही हूँ मैं, कच्चा पानी मत डालिएगा, ठीक है। मैं और डाल दूंगी, नमक चेक कर लीजिएगा आप अपने। इसे मैं 10 मिनट करीब और पकाऊंगी ढक के स्लो आग पे, ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए अब मैं इसमें गरम मसाला डाल देती हूँ, इसे मैंने बंद कर दिया है, 10 मिनट हो गया करीब ये पकते हुए। थोड़ा गरम मसाला इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ी सी ये अपनी हरी मिर्चें इसमें डाल दूंगी, ठीक, और हरा धनिया, और ये जिंजर, जितनी आपको पसंद हो उसके हिसाब से आप डाल लीजिए। तो बहुत ही मज़ेदार पाए तैयार हैं, सर्दियों की मेवा, सर्दियों का तोहफा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।